वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दुर्गा, यू आर विजिटिंग ड्रीमी डिवाइन में। तो आज की वीडियो होने वाली टाइटल है कि अदम सिकर ब्लाइंड फॉलोवर एक्सपोज्ड। तो देखते हैं इसमें क्या एक्सपोज्ड होते हैं ये लोग। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओ भाई, मैं कहता हूँ आते कहाँ से हो तुम लोग? इसको लगा कि ये बोलेगा डार्क मैटर, बिग बैंग, नेचुरल सिलेक्शन, हम डर जाएंगे। भैया तुम्हारे बाप दादा बैठे हैं यहाँ स्ट्रीम पर, खुलकर बोलता हूँ, तुम्हारे बाप दादा बैठे हैं हर मैदान में। हमसे बात करोगे फिलोसफी में, हमसे बात करोगे लॉजिक में, हमसे बात करोगे साइंस में, हमसे बात करोगे थियोलॉजी में, हमसे बात करोगे आप एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। जबरदस्त। तो एडम शिखर साहब, आपने कमेंट में तो बड़ी बड़कियां मार दी है कि किसी में दम है तो ले, चैलेंज करता हूँ, ये है वो है। हजरत मुफ्ती साहब ये आ भी चुके हैं मेरे ख्याल से। भाई भाई, मैंने सुना है कि आप लोग सिर्फ अल्लाह अपोजिट जो डायरेक्शन देता है उसे डरते। पहले आप अपना आइडियोलॉजी एक्सप्लेन करें, अपनी आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन करें। हाँ भाई, आदम सिकर साहब आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन हम सिविलाइज्ड अंदाज से बात करना चाहेंगे। अगर आप इस पर काजिर नहीं है तो आप जा सकते हैं, सिविलाइज्ड अंदाज से बात करें। आदम सिकर पॉइंट वन की तरह बदतमीजी के साथ बात ना करें जी। सर बोलकर बात कर रहा हूँ। सर एक बात बताओ, आप लोग कहते हो कि गॉड गॉड गॉड। एक मिनट, आप बात तब करेंगे जब अपनी आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन करें। बस मुंह खोल के बात शुरू कर दी आपने, तो बात तब होगी सिर्फ सर बोलने से नहीं बल्कि मैं से। सर एग्नोस्टिक हूँ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि गॉड है या नहीं है। आप लोग प्रूफ करो कि गॉड है। आप एग्नोस्टिक हो? और मैं प्रूफ करूंगा कि हाँ जी, और मैं प्रूफ करूंगा कि गॉड नहीं है, वो भी लॉजिक गिर गया भाई, खुद ही मुकदमा गिरा दिया अपना। ठीक है चले, आप प्रूफ करोगे कि गॉड नहीं है, है ना? अब बोलिए, अगर आप बीच में गॉड नहीं है, रुक रुक कर बोलिए। अच्छा, तो फिर आप एग्नोस्टिक कहां हुए? मैं प्रूफ करता हूं कि गॉड नहीं है। आप तो एग्नोस्टिक कहां हुए? एग्नोस्टिक तो वो है, ओ भाई, जिसको आपको एग्नोस्टिसिज्म पता भी है। एग्नोस्टिक वो होता है कि जिसको ना ये पता हो कि गॉड है और ना ये पता हो कि गॉड नहीं है। आप प्रूफ कर रहे हो कि गॉड नहीं है, तो फिर आप एग्नोस्टिक कहां हुए? वो इस तो हुआ ना, मैं आपको प्रूफ करना है कि गॉड नहीं है। आपने एक दावा किया कि आप एग्नोस्टिक हो, और अब आप ये कह रहे हो कि गॉड नहीं है, तो आप एग्नोस्टिक नहीं हो। आपका दावा यहीं पर ढेर हो गया। नहीं, एक सेकंड के अंदर खुद ही ढेर कर दिया आपने। आई डोंट नो, मैं बिलीव करता हूं। जब आपको पता नहीं है तो आप ये साबित कैसे कर सकते हो कि गॉड नहीं है, जब पता नहीं है? अभी आपने कहा आई डोंट नो, पता नहीं है ना, देन हाउ इन द वर्ल्ड यू कैन प्रूव दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट? मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग गॉड नहीं है अंटिल दे आर प्रूवन। अगर जब तक प्रूव नहीं हो जाता, नहीं बोलते भाई, उसको एग्नोस्टिसिज्म नहीं बोलते, इसको एथिज्म बोलते हैं। इसको एथिज्म बोलते हैं। आप एथिस्ट हो फिर? गूगल पे मैं डेफिनेशन भेज दूंगा, आप क्या हो वो भी मैं प्रूफ करूंगा। नहीं, आप पहले तय करो कि वो क्या, आप एग्नोस्टिक नहीं हो, आप एथिस्ट हो। जब तक गॉड प्रूफ नहीं हो जाता, जब तक गॉड नहीं है, आप एथिस्ट हो कि एग्नोस्टिक हो? आप कुछ भी मान लो, एथिस्ट नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जो आपने कहा एग्नोस्टिक, अब आप ये कहेंगे नहीं मैंने गलत कहा, मैं एथिस्ट। सर आप गॉड को मानते हो? आप गॉड को मानते हो, हाँ या ना? अरे भैया ये क्वेश्चन बेकार है, जाहिर सी बात है, कभी यहाँ बैठे हैं मानते हैं इसीलिए तो बैठे हैं, वरना आप किस आपके साथ ना बैठे हो। तो अब आपने ये बोला कि आप एग्नोस्टिक हो, तो एग्नोस्टिसिज्म तो साबित हो गई कि आप नहीं है। अब आप ये कहें कि मैंने गलत बोला, मैं एक्चुअली एथिस्ट हूं। नहीं, इंट्रोडक्शन के बगैर काम नहीं चलेगा, इंट्रोडक्शन के बगैर बात आगे नहीं चलेगी। आप ये कहें कि आप एथिस्ट हैं, दिखाऊंगा सर गूगल का डिफिनेशन, मैं दिखाऊंगा टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है कि मैं आपको, अरे भाई पॉइंट पे आपकी बात है, मैं क्यों बोलूं? यही पॉइंट है, यही पॉइंट है, जो कि जब तक के बुनियाद नहीं होगी बिल्डिंग नहीं बनेगी, पॉइंट यही है। दिस इज द पॉइंट। म्यूट कर दिया आपने एग्नोस्टिक भाई है? यार तुम्हें जो है ना, तुम्हारे बारे में हमें बताना पड़ रहा, तुम हो क्या? हाँ ये बात सही है। अच्छा अच्छा, आप चूंकि अब जाहिर है कि एक बात सुने, पहला पॉइंट तो इनका हो गया यहीं पर ढेर, ये मानेंगे नहीं चाहे कितनी देर हो जाए, खाम का टाइम जाया होगा। अब आप वो दलील दें कि खुदा नहीं है। हाँ भाई, दलील ऐसी होनी चाहिए कि बस उसका कोई जवाब ना हो, दलील दो। जब बिग बैंग शुरू हुआ, जब ये सारी चीज,
ये सारी चीजें कैसे नहीं हुआ, क्योंकि प्रूव है कि अगर बिग बैंग हुआ किसने बनाया, क्रिएटर कौन है, क्रिएटर नहीं है कोई, ये ऑटोमेटिक सारी चीजें नेचुरल सिलेक्शन डार्विन के अकॉर्डिंग सारी चीजें नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे हुई। आप मुझे प्रूव मैं दूंगा आपको, दूंगा सारी चीजें होता है। अरे 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 एक मिनट रुको, अभी कह रहे हो मैं प्रूव करूं, मुझे तो प्रूव करना ही नहीं ना, आपने कहा कि आप प्रूव करेंगे गॉड नहीं है, प्रूव करो भाई, दावे नहीं करो, प्रूव करो। नहीं बनाया भाई, किसी ने नहीं बनाया इन्हें, प्रूफ ये तो आपका दावा हुआ, प्रूफ दो ना, ये तो दावा हुआ, प्रूफ दो। ये होता है कि सर बिग बैंग को मानते हो आप? अरे मैं किसी चीज को भी मानूं, आप प्रूफ दो, और प्रूफ होना चाहिए तो वो दे रहा हूं ना, प्रूफ प्रूफ होना चाहिए ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, चूंकि आप साइंस को मानते हो, ऑब्जर्वेशन साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर चलता है, तो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर नहीं, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन किसने बोला कि ऑब्जर्वेशन के भी यहाँ पे चलते है गॉड, साइंस? अरे साइंस साइंस को कह रहा हूँ, साइंस ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं करती? नहीं चलता, नहीं नहीं चलता, साइंस ऑब्जर्वेशन पर नहीं चलती, नहीं चलता, ऑब्जर्वेशन के भी है, साइंस की ऑब्जर्वेशन में नहीं चलती। चलो भाई प्रूव होता है, हो गया दोनों चीज कहां से आते हो यार? ओ भाई मैं कहता हूँ आते कहाँ से हो तुम लोग? नहीं हजरत कॉन्फिडेंस तो देखिए, इतना कमेंट में कॉन्फिडेंस इतना है कि ये कुछ भी नहीं है, इसने इसने इसको लगा कि ये बोलेगा डार्क मैटर, बिग बैंग, नेचुरल सिलेक्शन, हम डर जाएंगे। भैया तुम्हारे बाप दादा बैठे हैं यहाँ स्ट्रीम पर, खुलकर बोलता हूँ, तुम्हारे बाप दादा बैठे हैं हर मैदान में, हमसे बात करोगे फिलोसफी में, हमसे बात करोगे लॉजिक में, हमसे बात करोगे साइंस में, हमसे बात करोगे थियोलॉजी में, हमसे बात करोगे आप एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। इनका जो एक प्रूफ था ना वो नेचुरल सिलेक्शन वाला, उसको तो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेंक के मारा किताबों से, एनसीईआरटी की किताबों से एवोल्यूशन को निकाल दिया, निकाल दिया गया है, प्रूफ बोलते हैं, प्रूफ देंगे। डार्क मैटर, व्हाइट मैटर, येलो मैटर, पता नहीं कौन कौन से मैटर इन्होंने देख दिखा दिए, और एक मैटर नहीं हुआ कि ये एग्नोस्टिक थे कि एथिस्ट। अजीब हाल है, जबरदस्त, कैसे कैसे लोग देखने पड़ते हैं, तुम्हें सोचा था एंटरटेन हो जाएगा तो आप लोगों ने देख लिया होगा भाई कैसे आया था, मतलब बोल पे बोले ही जा रहा था, कोई प्रूफ नहीं था उसके पास, प्रूफ तक नहीं दिखा रहा था, बस वो बोले ही जा रहा था, अपने मुंह से प्रूफ कर रहा था, बिना प्रूफ के ही बोला था कि मैं प्रूफ दिखाऊंगा, लेकिन क्या है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग भाई, तो हंसी आ रही थी ऐसे लोगों को देख के कैसे आते हैं, तो आप लोग देख के समझ ही गए होंगे वीडियो, तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।